हमारी ये घर 60 सालों से है। 60 साल से जी, लेकिन 60 साल का जो आशियाना था वो एक पल में खत्म हो गया है। जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए, कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं, मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो, कहाँ जाएंगे हम। पहले से तो कभी ऐसा नहीं था जब हम बचपन से थे, अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे। पहले सबके मिट्टी के घर थे, सबने अपने कमाई की तो ये घर बनाई तो। और मेरी शादी हो गई थी 19 साल में, मेरी माँ को इस समय 80 साल है। भैया लोग मेरे, एक भैया बड़ा भैया मेरा टीचर है। तो कितने सालों से ये घर है आपका? ये हमारी ये घर 60 सालों से है। 60 साल से जी, लेकिन 60 साल का जो आशियाना था वो एक पल में खत्म हो गया है। हित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए, कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं, मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। तो ये मेरा आग्रह, मैं तो जनजाति का भी आदमी हूँ, मेरे तो देखिए जनजाति के आज प्रॉपर्टी पे छेड़खानी किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी जनहित में मैं तैयार हूँ। मुझे मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से, मेरी आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए, यहाँ से हम चले जाते हैं, हमने क्या करना सर यहाँ। हमारा घर नीचे है लेकिन हमारा बचपन यही बीता है, भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है, बस बोल दिया कि चले जाओ सामान खाली कर दो, कहाँ जाएंगे हम। या कोई बता दे ना, ठिकाना होना चाहिए जाने का, कहाँ सामान ले जाएंगे, कहाँ पूरा परिवार बुजुर्ग हो कहाँ छोड़ेंगे हम।